90% तक लीवर खराब हो गए, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, क्रोनिक जॉन्डिस, और बाद में तो पेट में पानी भरने लगता है। मैंने कुछ रोगियों को तो एक एक दो दो महीने यहाँ पर रोक करके उनको लीवर ट्रांसप्लांट से बचाया है। अब उनको मंडूक आसन, पवन मुक्तासन 10-10 मिनट कराते हैं, जो पूज्य स्वामी आर्य देव जी, आनंद देव जी कर रहे थे। ये पूरी प्रक्रिया है, अपना अपना निर्धारित योगाभ्यास, लिवोग्रिट लिवामृत, फिर लिवोग्रिट जूस उसी की बस्ती, फिर दिन भर सर्वकल्प का पानी पिलाते हैं, खान पान पर पूरा नियंत्रण कर देते हैं। और ये दो चीज़ें बहुत दिन हो गए मुझे कम बोल रहा था, अभी बकरी का दूध लीवर के रोगों के लिए, बकरी का दूध, किसी भी प्रकार के लीवर की समस्या थी और किसी भी प्रकार से पाचन तंत्र के रोग थे, पायस, फिसर, फिस्टुला, लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, तो उसमें दूध नहीं देते, उसमें दही छाछ देते थे। फिर बकरी का, महात्मा गांधी जी बकरी का दूध पीते थे, उनका पाचन बड़ा कमजोर था, कॉन्स्टिपेशन रहता था लंबे समय से, तो गाय का भैंस का भी दूध उनको हजम ही नहीं होता था। ये पहली बार फ्रीज ड्राइंग से, दो तरीके होते हैं पाउडर बनाने के, दूध का पानी या तो उबाल करके उड़ाओ या फ्रीज ड्राइंग करो, तो हमने ठंडे तरीके से, ठंडे प्रोसीजर से ये बकरी का दूध और ऊँटनी का दूध तैयार किया है। बकरी का दूध पाचन तंत्र के रोगों में और फैटी लीवर, लिवर सिस्ट, हेपेटाइटिस। हम खाने पीने में बहुत साग सब्जियां और बस थोड़ी औषधीय छोटे छोटे प्रयोग कराते हैं और यही देते हैं, मात्र दो चीज़ें, और इन्हीं से ही बकरी के दूध का कल्प करवा करके पाचन तंत्र और लीवर के रोगों को, और ऊँटनी के दूध का कल्प करवा करके हमने अर्थराइटिस और टाइप 1 डायबिटीज तक के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक किया और अर्थराइटिस को पूरी तरह से क्योर किया, जो दुनिया में कहीं ठीक नहीं है। लोग कहते हैं एक बार आर ए फैक्टर बढ़ गया, CRP बढ़ गया, ANA AVN HRB 27 पॉजिटिव हो गया, यूरिक एसिड ESR बढ़ गया, और इसी वात रोग की श्रृंखला में फिर ये SLA MS, ऑटोमन डिजीज, MNDs है, ये भी सब पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, सब वात रोग से ही होता है, सर वात रोग का ही फैमिली है। वैसे तो वात, अपित, कफ, त्रिदोष का ही फैमिली है, सारी डिजीज है। अब ये उपाय कराते हैं एक साथ, आहार चिकित्सा भी कराते हैं यहाँ पर। मैं कहता हूँ आहार ही उपचार है, विचार चिकित्सा, आपको आत्म प्रेरणाओं से, आत्म प्रबोधन से, आत्म उत्थान से, आत्म उत्कर्ष से युक्त करते हैं।